इस वक्त हम दिल्ली के ब्रजपुरी में मौजूद हैं। 22 साल के राहुल ठाकुर की दिल्ली में जो हिंसा भड़की उसमें जो है जान चली गई। परिवार में किस तरीके का मातम का जो माहौल है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस दुखद घड़ी में जायज़ तो नहीं है उनकी माता जी से बात करना, लेकिन क्योंकि देश में जो राजनेता हैं, जो मौजूदा सत्तासीन लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि जिस घर के चिराग बुझे हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या हालात है इस मुल्क में, और क्या एक माँ जो अनुभव कर रही है अपने नौजवान बेटे के जाने का, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। माँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा बेटा चला गया 22 साल का, सिर्फ 5 मिनट में गोली खा के चला गया वो यहाँ से। कोई हमें पुलिस प्रोटेक्शन कुछ नहीं मिला हमारे को, और कुछ नहीं हुआ। राहुल चला गया मगर अपने पढ़ा लिखा लड़का, एसएससी की तैयारी के लिए गवर्नमेंट का लेटर आने वाला था, उसके बहुत सपने थे, सब चूर हो गए। राहुल चला गया हमारा गोली खा, और कुछ नहीं। मेरे साथ जो है अभी राहुल के भाई हैं, बताया ये जा रहा है कि इनके इनके सामने ही जो है इनके भाई की गोली लगने से मृत्यु हो गई। एक बार जरा बात करते हैं इनसे, क्या हुआ था उसमें? भैया कुछ भी नहीं था, बस बैठे थे हम लोग तीनों जने, मम्मी, मैं और मेरा भैया, क्योंकि मेरे फादर RPF में, ये लोग बाहर रहते हैं, मेरे फादर बाहर रहते हैं। बस वो यहाँ से गया एकदम से चाय पीकर, बिल्कुल घर से अच्छा भला गया है, बस स्ट्रेट घर से निकल के वहाँ सामने गया, एकदम से गोली की इतनी देर में पता नहीं क्या हुआ, उधर से सब लोग चिल्लाते हुए आ गए, अभी तेरे भाई को गोली लग गई, अभी तेरे भाई की गोली लग गई। उसके बाद सर हमें कुछ नहीं पता, हम लोग GTV ले गए वहाँ पे, बिल्कुल थोड़ी देर बाद यही बता दिया गया कि आपका भाई बिल्कुल ख़त्म, डेड हो गया है, कुछ नहीं पता। उसके उपरांत ये वक्त जो है आपको साहस में रहने का वक्त है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस तरीके का जो दंगा फसाद हुआ दिल्ली में पिछले दिनों? सर मैं कुछ भी मैसेज नहीं देना चाहता, कुछ पता ही नहीं क्या बताऊं सर, कैसा क्या मैसेज दूं, मेरा भाई चला गया तो कोई मैसेज नहीं है हमारे लिए, अब कुछ भी वो ही हमारा मैसेज था, अब हम कुछ नहीं बता सकते सर, कुछ नहीं कह सकता किसी को भी। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।